नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं टेकाल है और मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल की ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो है इस नए यूट्यूब के मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बारे में। तो अगर आप एक यूट्यूब के क्रिएटर हैं तो आपको पता होगा कि जो पिछली पॉलिसी थी यूट्यूब की वो ये थी कि आपको अपने चैनल पे सारे वीडियोस मिला के चाहिए थे 10,000 व्यूज। तो अगर आपके सारे वीडियो मिला के होते थे, बनते थे पूरे 10,000 व्यूज, तो आप अप्लाई कर सकते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। और फिर आपकी वीडियोस पे क्या है, बैनर एड्स और तरह तरह की दूसरी तीसरी एड्स जो है वो प्ले होंगी, जिससे आप कमा सकते हैं कुछ पैसे। पर हाल फिलहाल YouTube ने इन पॉलिसीज को कर दिया है चेंज। और अगर आप YouTube पे एक्टिव है तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा, या अगर आप क्रिएटर हैं तो आपको डेफिनेटली हो सकता है पता ही हो कि जो नए पॉलिसीज है ये काफी एक बदलाव है YouTube के मोनेटाइजेशन के लिए। पहले जो कि मोनेटाइजेशन काफी आसान था, इवन जो 10,000 व्यूज वाला पॉलिसी था वो उतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, पर इस बार जो नई पॉलिसीज आई है वो थोड़ी कड़ी है और थोड़ी मुश्किल है। ये अच्छी भी और बुरी भी है, तो इसीलिए इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्या है ये नए पॉलिसीज और मेरी एज ए न्यू कंटेंट क्रिएटर क्या है कुछ राय इस नए पॉलिसीज के लिए। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये नई पॉलिसीज क्या है। तो ये जो नई पॉलिसी है ये ऐसी है कि अगर आपको करना है YouTube पे अपनी वीडियो को मोनेटाइज, यानी कि आपको लाने हैं एड्स और कमाने कुछ पैसे, तो आपको सबसे पहले तो पूरे करने होंगे 1,000 सब्सक्राइबर्स। तो अगर आपके चैनल पे है 1,000 पूरे पूरे सब्सक्राइबर्स और पिछले 12 महीनों की आपकी कुल मिलाकर अगर वॉच आवर्स है 4,000 घंटे, वॉच आवर्स की मैं बात कर रहा हूँ ना कि व्यूज की। तो व्यूज जो होते थे वो तो ऐसे है कि अगर आपने वीडियो को क्लिक कर दिया है 6 सेकंड तक, अगर आप वीडियो को देख गए हैं तो आपको वो वीडियो का व्यू मिल गया, यानी कि कोई अगर देखता है आपकी वीडियो को 6 सेकंड तक तो आपको एक व्यू मिल जाता है। पर यहाँ वॉच आवर्स क्या होता है कि क्लिक करने के बाद उस व्यूअर ने कितने मिनट्स तक आपकी वीडियो को देखा। तो सारी वीडियोस मिलाकर अगर आपके 12 महीनों की वॉच आवर्स है 4,000 घंटे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं मोनेटाइजेशन के लिए यूट्यूब पर। तो दो कंडीशन यहां पर रख दी यूट्यूब ने नए, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो 4,000 वॉच आवर्स और दूसरा 1,000 सब्सक्राइबर। अगर आपके ये दोनों क्राइटेरिया मैच होता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं एडसेंस के अकाउंट को ज्वाइन करने के लिए, और फिर यूट्यूब आपकी क्या है चैनल को रिव्यू करेगा और फिर वो एक्टिवेट कर देगा आपके चैनल पर मोनेटाइजेशन। तो यहाँ पे मोनेटाइजेशन करने के बाद फिर आपकी जाके YouTube पे प्ले होगी एडवर्टाइजमेंट, जिससे आप कमा सकते हैं पैसे। तो ये तो होगी बात की क्या है ये नई पॉलिसी। अब मैं बात करता हूं कि मेरी राय क्या है। तो मेरी राय दूं उससे पहले मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी रिलीज कर दी अपनी अपनी वीडियोज इस नए पॉलिसी के लिए। इसमें शामिल होते हैं टेक्निकल गुरुजी वगैरह, इवन माई स्मार्ट सपोर्ट, इवन टेक्निकल दोस्त की मैंने एक वीडियो देखी है। तो ये सारे लोग जो है खुले दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं इस नए चेंज को। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जो चेंज है बहुत बुरा है या खराब है या बहुत ज्यादा अच्छा है। एक्चुअली देखा जाए तो मेरी थोड़ी न्यूट्रल है सोच इस नए पॉलिसी के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बड़े चैनल्स हैं, यानी कि जिनके ज्यादा सब्सक्राइबर्स ज्यादा व्यूज वगैरह हैं, उनके उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और ज्यादा से मेरा मतलब है कम से कम 1-2 लाख जिनके सब्सक्राइबर्स हैं और हर वीडियो पे आराम से आ जाती है अराउंड 50,000 से 60,000 व्यूज, तो ऑब्वियसली उनके लिए क्राइटेरिया उतना ज्यादा नहीं मैटर करता। आई मीन क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने सब क्राइटेरिया पार कर लिया है, तो आई थिंक उनके लिए थोड़ा आसान होगा ये कहना कि जो चेंज है बहुत ज्यादा एक अच्छा है। पर एज ए न्यू कंटेंट क्रिएटर मैं कहूंगा कि यार, जब पहले एक चैनल हमने बनाया, थोड़ी मेहनत की उस पर और फिर उसके बाद वीडियोस बनाए और फिर हम लुकआउट कर रहे थे कि कैसे हमारा क्राइटेरिया पूरा होगा, जैसे एक वो होता है एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बस इतने व्यूज हो गए, उतने व्यूज हो गए, इतनी रिक्वायर्ड है। पर अब क्या हो गया है कि थोड़ी रिक्वायरमेंट और ज्यादा बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली इससे ये है कि कॉम्पिटिशन थोड़ी बढ़ गई है नए क्रिएटर्स पे। बट इससे अच्छी भी बात ये हुई है कि इससे जो काफी कचरा है यूट्यूब पे क्लीन होगा। तो बेसिकली जो भी है, कुछ भी कंटेंट डल जाता था यूट्यूब पे और बस थोड़े बहुत व्यूज इकट्ठे कर लिए तो आप मोनेटाइजेशन इनेबल कर सकते थे और फिर उस पर एड्स आ सकती थी। तो बेसिकली गंदे गंदे वीडियोस, बेकार के वीडियोस, इनअप्रोप्रिएट वीडियोस भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। तो ये मैं जरूर समझता हूँ कि यूट्यूब ने क्यों ये स्टेप लिया है। ये काफी ज्यादा जरूरी था कि यूट्यूब धीरे धीरे बहुत ही अजीब सा होता जा रहा था और बहुत अजीब अजीब वीडियोस इस पे आने लगी थी, तो उसको रोकने के लिए बनी है ये नई पॉलिसीज। तो उस हिसाब से काफी अच्छी चीज है कि YouTube ने कदम उठाया ताकि ये जो गंदी वीडियोस वगैरह हैं वो बेनिफिट ना कर सके YouTube के मोनेटाइजेशन से। तो इसीलिए जो करंट चैनल्स जो इस थ्रेशोल्ड को पार नहीं करते हैं उनके लिए एक सेट कर दिया डेट, जो कि है 20 फरवरी का। तो अगर ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चैनल्स है जिन्होंने अगर थ्रेशोल्ड पार नहीं किया है, ये जो नया वाला जो है, तो उनको 20 फरवरी तक का टाइम दिया गया ये सब थ्रेशोल्ड क्लियर करने के लिए। अगर ऐसा वो नए चैनल्स कर देते हैं
तो उनकी मोनेटाइजेशन जो है बरकरार रहेगी, और बाकी जो ये नए चैनल्स हैं जिनका, जैसे कि मेरे जैसे चैनल जिनका मोनेटाइजेशन अभी तक इनेबल नहीं हुआ है, तो उन पर डायरेक्ट ये नए रूल्स लागू होते हैं, और जैसे ये रूल्स पार हो जाएंगे या फिर क्लियर हो जाएंगे थ्रेशोल्ड्स, तो फिर मैं अप्लाई कर पाऊंगा, यानी मेरे जैसे और भी जो क्रिएटर्स हैं अप्लाई कर पाएंगे मोनेटाइजेशन के लिए। तो ये तो हो गई ऐसी बात, तो वही है मेरी ओपिनियन बेसिकली यही है कि एक अच्छी चीज भी है कि हाँ ठीक है, जो बहुत सारी जो बेकार की चीजें यूट्यूब पे चल रही है वो इससे काफी कम हो जाएगी, उससे बेनिफिट मिला काफी बंद हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जब ये जो गंदी जो भी बेकार की वीडियोस हैं उनको जब व्यूज नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं कमा पाएंगे, जो भी है वो जो है डाउन आ जाएंगे और धीरे धीरे उनकी अपलोड्स वगैरह बंद हो जाएगी, तो उससे जो है कचरा थोड़ा साफ होगा। बट यही है जो यहाँ पे जो मेहनत करने वाले जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक उनके लिए गोल था जो कि वो अचीव करके बैठे थे, पर इससे पहले कि वो गोल अचीव हो यूट्यूब ने एक नया गोल रख दिया उनके सामने। अब क्या पता, हो सकता है कि वो चैनल एक साल में बहुत ज्यादा ग्रो कर जाए और बहुत जल्दी ये थ्रेशोल्ड पार हो जाए अगर अच्छा कॉन्टेंट है, बट ये भी हो सकता है कि इससे पहले कि वो ये थ्रेशोल्ड पार करे इतने टाइम में YouTube एक और नया पॉलिसी लॉन्च कर दे अगले साल, अगर अगले साल तो वो चैनल नहीं बढ़ पाता है और अगले साल में फिर एक नई पॉलिसी आ जाएगी, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो भी नए कंटेंट क्रिएटर्स है वो सिर्फ एक थ्रेशोल्ड को पार करने में लगे रहेंगे, ठीक है कंटेंट तो उनका बनेगा बट डीमोटिवेशन भी थोड़ा फैल जाएगा, क्योंकि हर साल अगर YouTube एक नया पॉलिसी लाता रहेगा तो वो बेसिकली कभी क्राइटेरिया मीट ही नहीं कर पाएंगे, इससे पहले कि वो एक क्राइटेरिया मीट करे YouTube एक नया क्राइटेरिया ला के रख देगा। तो उस वे में अगर देखा जाए तो ये थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, मतलब मेरा ओपिनियन, तो इसीलिए देखा जाए तो इसीलिए एक नेगेटिव भी हो गया एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, तो इसीलिए कंबाइन करके मेरा जो अपना ओपिनियन है वो थोड़ा न्यूट्रल सा है। तो यही है मेरे फाइनल ओपिनियन कि क्या ये नया न्यू पॉलिसी मॉडर्नाइजेशन को लेके, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और क्या आप अगर एक नए क्रिएटर हैं तो क्या आपके लिए अच्छा है बुरा है, अगर आपको अच्छा लगा कैसा लगा सब कुछ आप अच्छे से अपने थॉट्स वगैरह शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट्स में। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो दबा दीजिए जल्दी से वो लाइक का बटन, अगर आप चैनल पर नए हैं और वो सब्सक्राइब बटन अभी लाल है तो प्लीज दबा दो सब्सक्राइब का लाल बटन, और उसके बगल में आ जाएगी एक घंटी वाली बटन, वो घंटी को जल्दी से दबा दो, पीट दो, मार दो, जो भी कर दो, बस वो दब जानी चाहिए, और उससे क्या होगा कि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। ये वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में।